नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। शेयर बाजार लाल निशान में सेंसेक्स 121 अंक टूटकर खुला। देश में बीते 24 घंटे में 30,093 नए कोविड केस। देश में बीते 24 घंटे में 30,093 नए कोविड केस, 42,254 मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के मामलों में बड़ी राहत, पिछले 24 घंटे में मिले 30,000 से कम केस। रविवार के ईडी की कार्रवाई के बाद सामने आए पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी के समक्ष होंगे पेश। इंटरनेट स्पीड में भारत फिर फिसड्डी साबित, ग्लोबल इंडेक्स के रिपोर्ट के आंकड़े दे रहे गवाही, नेपाल पाकिस्तान भी हमसे आगे। विट्ठल मंदिर तक तीर्थ यात्रा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में वारकरियों को नहीं दी अनुमति। 21 अगस्त को होगी 11वीं की सीईटी परीक्षा, मंगलवार से आवेदन देना शुरू। जिले के 845 सराफा कारोबारियों को नोटिस, बीआईएस ने मांगी सोने की स्टॉक की जानकारी। शहर में बारिश ने पहुंचाई राहत, सोमवार की रात काफी दिनों बाद बरसे बादल। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।